प्रभु का धन्यवाद हो। फिर से प्रभु ने हमें एक और मौका दिया कि हम प्रभु के चरणों में जाकर प्रभु का वचन को पढ़ें और उसके ऊपर हम मनन करेंगे। आज का हमारे बाइबल अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे मरकुस की लिखी हुई पत्री, उसका 12वां अध्याय और उसका 28 से 44 आयत तक हम पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम मनन करेंगे। मरकुस मार्क्स 12:28-44 हम पढ़ते हैं 28 कलम से। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि सब याज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इसराइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, सबसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उसे कहा, हे गुरु बहुत ठीक, तूने सच कहा है कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा उसने समझ से उत्तर दिया तो उसे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। फिर उसने यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरी बैरियों को तेरे पांवों की पीढ़ी न कर दूं। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह उसका पुत्र कहां से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य आसान और भोज में मुख्य आसान स्थान भी चाहते हैं, वे विधवा के घर को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हैं, वे अधिक दंड पाएंगे। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतनों में से कंगाल विधवा ने आकर दो दमड़ियां, जो एक पहले अधेली के बराबर होती है, डाली। तब उसने अपने चेलों के पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से एक कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ोती में से डाला है, परंतु उसने अपने घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दें। आज हमारे बाइबल अध्ययन के लिए हम बाइबल में अभी हमने इसी अध्याय में हमने पढ़ा कि सबसे बड़ी याज्ञा क्या है, उसके ऊपर हम आज मनन करने वाले हैं, और उसका वचन भी हमने पढ़ा है। हम पढ़ते हैं, यीशु ने कुछ शास्त्रियों ने प्रभु से पूछा था कि सबसे बड़ी याज्ञा क्या है, तो उसके जवाब में प्रभु उसके कहता है, 30वीं आयत में हम उसको पढ़ते हैं, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी यह है कि तो अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, उससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। देखिए, सबसे बड़ी आज्ञा जब शास्त्री ने प्रभु को पूछा, यीशु को पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो प्रभु ने ये वचन को दिया, ये आयत को पढ़कर जो हमने पढ़ा है उसका जवाब देकर उसको बताया कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारी बुद्धि से, अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरा यह है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। देखिए, हम उसके ऊपर मनन करें उसके पहले हम जानना चाहिए कि प्रेम क्या है, तो उसके बारे में पौल 1 कुरिन्थियों की किताब में हमको बताता है,
हम पढ़ते हैं फर्स्ट कुरिन्थियन, उसका पढ़ेंगे 13वां अध्याय और उसकी 5 से 11 आयत तक हम पढ़ते हैं। चार से हम उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट कुरिन्थियन उसका 13वां अध्याय और उसकी 4 आयत में हम पढ़ते हैं। प्रेम धीरजवान है, कृपालु है, प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं या अनिति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, अपन सत्य से आनंद होता है। वह सब बातों सह लेता है, वह सब बातों को प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भावसाव हो तो चली जाएंगी। ये तो ठीक है, आगे का वचन है, लेकिन हमने पढ़ा 4 से 6-7 आयत तक प्रेम क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा है। देखिए, वो बड़ाई नहीं करता है, डाहा नहीं करता, प्रेम धीरजवान है, कृपालु है, अनिरीति से नहीं चलता, भलाई अपनी भलाई नहीं चाहता है, झुंझलता नहीं है, बुरा नहीं मानता, कुरकुमे से आनंद नहीं होता, सत्य से आनंद होता है, वगैरह वगैरह करके यहाँ पे लिखा हुआ। फर्स्ट कुरिन्थियन उसका 13वां अध्याय और उसकी 4 आयत से 7 आयत तक में प्रेम के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, हम प्रभु को प्रेम करें, क्योंकि हम फिर से वचन की ओर आते हैं। हमने जो वचन पढ़ा उसके ऊपर मार्क 12 अध्याय उसका 30 आयत में उसमें लिखा हुआ है, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से। मतलब देखिए, हम प्रभु को प्रेम करें, उसके पहले हमें, प्रभु ने हमें जो प्रेम किया है उसको हमें स्वीकार करना है। जब तक हम प्रभु का प्रेम को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम प्रभु को प्रेम नहीं कर सकते, या हमारे पड़ोसी को कैसे प्रेम कर सकते हैं। देखिए, हम उसके लिए वचन पढ़ेंगे, पहला योहन्ना उसका 4 अध्याय को हम पढ़ते हैं और उसमें 20 आयत को हम पढ़ते हैं। तो वहां पे लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि वह अपने भाई से जिसने देखा है प्रेम नहीं करता तो वह परमेश्वर से भी जिसने उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। देखिए, हमें प्रभु के प्रेम को पहले स्वीकार करेंगे, उसके बाद ही हम प्रभु को स्वीकार कर सकते हैं। और यहाँ पे वचन हमें ये कहता है कि मनुष्य हम पृथ्वी पे रहते हैं, हम पृथ्वी के लोगों, जितने भी लोग हैं, हमारे भाई है या हमारे पड़ोसी, उसको अगर हम प्रेम नहीं करते तो हम प्रभु को कैसे प्रेम कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे वचन हमें बताता है, जो जिसको हमने देखा उसको अगर हम नहीं प्रेम करते हैं तो प्रभु को हम कैसे प्रेम कर सकते हैं। लेकिन प्रभु का, जब हम प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, प्रभु ने हमको क्या दिया, उसको अगर जब हम हमारे जीवन में उसको स्वीकार कर लेते हैं तो हम प्रभु को प्रेम कर सकते हैं। यहाँ पे एक वचन और पढ़ते हैं हम, पहला योहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में एक अच्छा वचन लिखा है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और वह जीवन उसके पुत्र में है। देखिए, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और वो जीवन उसके पुत्र यीशु मसीह में है, उसको हमें स्वीकार करना है। प्रभु ने हमें क्या दिया, प्रभु ने हमें अपना प्रेम के द्वारा, अपना बलिदान के द्वारा, अपना अत्यंत प्रेम के द्वारा, कृपा के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हमें इस दुनिया में हमें रखा, हमें बचा के रखा, हमें संभाल के रखा और हमें अनंत, सबसे बड़ा बात तो ये, हमें अनंत जीवन दिया है और वो है उसके पुत्र में। हमने वचन पढ़ लिया, 5वां अध्याय उसके 11वें आयत में लिखा है। इसलिए आगे वचन ये भी लिखता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन। देखिए, प्रभु ने हमें जीवन दिया है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए और वो है उसका प्रेम है। उसको जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम प्रभु को कैसे प्रेम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें प्रभु को प्रेम करना है, प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया है, उसको याद करते हुए हमें प्रभु के पास, प्रभु को हमें पूरा दिल से, देखिए हम प्रभु को कैसे प्रेम, हम अपना समय देके
फर्स्ट प्रेफरेंस का समय हमें देके प्रभु को प्रेम कर सकते हैं। हमें जो कुछ भी हमारे पास हमारी कमाई है उससे हम प्रभु को देके, प्रभु की सेवकाई को देके हम प्रभु को प्रेम कर सकते हैं। हम लोगों के लिए लोगों हम प्रभु को प्रार्थना करके या प्रभु को उसको हम आराधना करके प्रभु को हम प्रेम कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके से हम प्रभु को उसकी याज्ञाओं में चलते हुए प्रभु को हम प्रेम कर सकते हैं। लोगों की सेवा काय करते हुए हम प्रभु को प्रेम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी बातों से हम प्रभु को प्रेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात हमें समझना है, यहाँ पे हमें प्रभु को अपने पूरे दिल से, पूरा मन से और पूरे प्राण से, मतलब यहाँ पे ये प्रभु का वचन हमें ये सिखाना चाहता है, हमें फर्स्ट प्रेफरेंस, पहला जो बात है वो प्रभु को देना है। तभी हम प्रभु को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, तभी हमने अपने पूरे मन से, पूरे दिल से और पूरे प्राण से हमने प्रभु की सेवा किया है, सेवा करते हैं करके हम कह सकते हैं। क्योंकि हर एक चीज जो है वो पहले प्रभु का है, क्योंकि प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया, प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है और हमारी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि प्रभु हम सबसे प्रभु को प्रेम करें, सबसे ज्यादा हम प्रभु को प्रेम करें, दुनिया से नहीं लेकिन प्रभु से हमें ज्यादा प्रेम करें। तो यहाँ पे हमने हमने पढ़ा कि हमें प्रभु के प्रेम को स्वीकार करना है और हमारे पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से हमें प्रभु को प्रेम करना है। और उसके बाद हम आते हैं दूसरा बात, ये है कि हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। फिर से हम वचन को पढ़ेंगे, मरकुस उसका 12 अध्याय उसकी 31 आयत में लिखा है, और दूसरी यह है तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। देखिए हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। हम अपने आप को, खुद को तो हम धिक्कार तो नहीं करते, अपने खुद को तो हम प्रेम ही करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमें अपना पड़ोसी है उसको हमें प्रेम करना। देखिए यहाँ पे पड़ोसी की बात आती है तो हो सकता है हमारे घर के बाजू में रहने वाला आदमी हो सकता है या पड़ोसी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है। हम जहाँ पे काम करते हैं ऑफिस में, वहाँ पे हमारे पड़ोसी जो कुछ काम करता है वो हमारा पड़ोसी हो सकता है। हम ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, हमारे बगल में कोई बैठा है वो हमारा पड़ोसी हो सकता है। और हमें, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे हमारे साथ में जो लोग आते हैं जाते हैं और जिसके साथ हमारे रिलेशन है वो हमारे पड़ोसी है। मतलब हम उसको ये बोल सकते हैं हमारा पड़ोसी सब लोग हो सकते हैं। मतलब हम जिस, जो हमारे संपर्क में आते हैं, हम जिसको देखते हैं हमारे आसपास में, इर्द गिर्द में, ये सब लोग हमारा पड़ोसी है। या जिसको हम, हमारी जरूरत है, हमारे हमारे पास आके हमें हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, ये हमारा पड़ोसी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे वचन कहता है हमें परमेश्वर से अपने प्रेम से, अपना मन से, अपने सारी प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम करना है और हमारे पड़ोसी को भी प्रेम करना है। ये दो जो बातें हैं वो हमें सिखाती है परमेश्वर का प्रेम को। तो मैंने, हमने पहले अध्ययन किया कि हमें प्रभु का प्रेम को जब स्वीकार कर लेते हैं तो हम, हमारे मन में प्रभु का प्रेम आ जाता है और हम दूसरे को प्रेम करने में हमें कठिनाइयां नहीं आती है, या प्रभु को प्रेम करने में हमें कठिनाइयां नहीं आती। हम प्रभु को प्रेम करेंगे जब, लेकिन पहले हमें उसके प्रेम को स्वीकार करना है। उसने हमें अनंत जीवन दिया है और वो उसके पुत्र में है, उसको याद करते हुए हमें प्रभु को प्रेम करना है। और वहाँ पे पूरे मन से, पूरे शक्ति से, मतलब उसका होता है हमें फर्स्ट प्रेफरेंस, पहला हमें बात पर परमेश्वर को, पहला समय हमें प्रभु को देना है। हमारे हमारी कमाई का पहला हिस्सा हमें प्रभु को देना है। हमारे पास जो कुछ भी कीमती है वो हमें प्रभु को देना है। ये सब कुछ बातें उसमें आती है। ये चीज सब कई बार हमारे लिए कठिन हो जाती है, लेकिन जब हम प्रभु का प्रेम को चख लेते हैं या प्रभु का प्रेम को हम स्वीकार कर लेते हैं, ये बातें हमारे लिए इतना कठिन नहीं रहता है। पड़ोसी को प्रेम करने के लिए भी हमको इतना कठिनाई नहीं रहता है। तो ये बातें हमें आज वचन के द्वारा हमें सिखाते हैं, हमें परमेश्वर को
प्रथम स्थान देना है, प्रेम अपने मन से पूरे दिल से प्रेम करना है और हमारे पड़ोसी को भी ऐसा ही करना है। देखिए बाइबल का सारांश ये दो ही बातों में है। प्रेम ये उसका सेंट्रल बात है इस बाइबल का, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तब तक हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमें प्रेम किया। हमने परमेश्वर से प्रेम किया ही बात नहीं, लेकिन प्रभु ने हमें प्रेम किया और उसके बदले में हमें प्रभु को प्रेम करना है। इसलिए वचन में लिखा है अपने सारी मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, अपने सारी सामर्थ्य से उसको प्रेम करना है। आज हमें ये वचन हमें सिखाता है प्रभु को हमें कितना और प्रेम करना, कि प्रभु ने हमें कितना प्रेम किया। देखिए परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया और अपने एक पुत्रों को भी रख नहीं छोड़ा अपने लिए, लेकिन हमारे लिए दे दिया। कितना बड़ा सेक्रीफाइस, कितना बड़ा बलिदान प्रभु ने हमारे लिए दिया है। उसको याद करते हुए हमें प्रभु को प्रेम करना है। इसलिए हमें पहले उसके प्रेम को जब हम स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया उसको हम जान जाते हैं, उसको चख लेते हैं, तो हमें प्रभु को प्रेम करने में हमें कठिनाइयां नहीं आती है। और इतना ही नहीं, हमारे पड़ोसी से, हमारे वैरी दुश्मन से प्रेम करने में भी हमें इतना कठिनाइयां नहीं आ सकती है। तो आज प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है, हमें प्रभु को प्रेम करना है और हमारे पड़ोसी को भी प्रेम करना है। जब हम ये करते हैं हमारे जीवन में प्रभु का आशीष हमें मिलता है, और अगर हम उसमें चलते हैं, उसकी महिमा में चलते हैं, उसकी हजूरी में चलते रहते हैं, हम उसकी याग्नाओं में चलते हैं, ज्योति में चलते रहते हैं, हमारे जीवन से प्रभु का प्रेम प्रकट होता है और हम बहुत से लोगों के लिए, हमारे पड़ोसी के लिए, हमारे दुश्मन के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे शहर के लिए हम आशीष का कारण ठहर सकते हैं। तो आज हमें प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है, पूरे दिल से हम प्रभु को प्रेम करें और हमारे पड़ोसी को भी इतना ही हम प्रेम कर ले। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। आमीन, आमीन, आमीन।